हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एचएपी है ना, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम लोग। इसका यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 ब्लैक 4 या 5 है। स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में जाना था स्ट्रक्चर क्या होता है बोन का, क्या उसके फंक्शंस होते हैं। आज हम बात करेंगे कि पूरे स्केलेटल सिस्टम का, जो हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं उनका पूरा नाम क्या है, पूरे हड्डियों का एक हड्डी का नाम क्या है और उनका पूरा का पूरा डिवीजन क्या है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा तो हम इस पूरे लेक्चर में और आपको एक याद कराने का ट्रिक बताएंगे कि कैसे आपको याद करना है कि हमारी शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है और कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, बस आपको नाम याद करना है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में सब बोन अलग अलग जिसका इंपॉर्टेंट रहेगा उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमारी बॉडी के जितना भी स्केलेटल सिस्टम होता है उसको हम डिवाइड करते हैं दो रीजन में, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर। क्लियर हो गया, एक्सियल और अपेंडिकुलर। जैसे अगर मैं किसी ह्यूमन का फिगर बनाऊं, ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका ये वाला रीजन जो बीचों बीच है, इतना रीजन जो बीचों बीच है इसे बोलते हैं एक्सियल। क्या बोलते हैं इसको? एक्सियल। और ये जो दोनों हाथ निकले हुए हैं और जो दोनों पैर बाहर निकले हुए हैं जो सेंट्रल से अलग है इनको बोलते हैं अपेंडिकुलर। तो आई थिंक माइंड में क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। यानी खोपड़ी से लेकर यहाँ तक कमर तक जो सीधा पूरी शरीर है वो हमारा एक्सियल पार्ट है और हाथ और पैर जो दोनों निकले हुए हैं ये हमारे किसमें आते हैं? अपेंडिकुलर। यानी यहाँ से लेकर ये वाला रीजन, यहाँ से ये वाला रीजन और दोनों पैर, दे आर द अपेंडिकुलर एंड द सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड एक्सियल। अब एक्सियल में होती है 80 हड्डियाँ, यानी हम कह सकते हैं खोपड़ी से लेकर कमर तक गर्दन तक ये वाली सीधी लाइन में होती है 80 हड्डियाँ और ये दोनों हाथ पैर मिला के कितनी होती है? 126 हड्डियाँ। तो 126 और 80 हड्डियों को जोड़ दिया जाए तो कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। अब हम सारी हड्डियों का नाम समझेंगे कि 80 कहाँ से हुआ और 80 में से नाम किसका किसका क्या है, हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सियल की बात कर ले, एक्सियल में सबसे पहले इंसान का ये पूरा पार्ट आता है, पूरा इसको खोपड़ी कहते हैं ना, इसमें सर भी है, चेहरा भी है, नाक भी है, कान भी है और गला भी है। इतना जो पोर्शन है इसको स्कल कहा जाता है और इसमें स्कल में होती है 29 हड्डी। कितनी हड्डी होती है? 29। उसके बाद इंसान का आता है थोरेसिक केज, जाता है ना, जिस थोरेसिक केज जो होता है इसमें आती है आपकी 24 हड्डियाँ। जस्ट नीचे आ जाओ थोरेसिक केज है, थोरेसिक केज में 24 हड्डियाँ। उसके बाद इंसान के पीछे रीढ़ की हड्डी लगी होती है ना, पीछे रीढ़ की हड्डी होती है जिसको वर्टिब्री बोलते हैं, इसमें होती है 26 हड्डियाँ। और नीचे कमर में, ठीक है, यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे स्टर्नम होता है हमारे, जहाँ पे जहाँ से थोरेसिक हड्डी जुड़ी होती है, जहाँ से मान लीजिए ये हड्डी है और थोरेसिक जुड़ी होती है ना, तो जिससे जुड़ी होती है उसको स्टर्नम बोलते हैं एक हड्डी को। तो अब आप अगर काउंट करके देखते हैं हम लोग, 29 स्कल में, 24 थोरेसिक में, 26 वर्टिब्री में और एक स्टर्नम में, कुल कितना हो गया? 29, 24, 26, एक लाख को कितना हो गया? 80। यानी ये 80 हड्डी आपको याद रखनी है कैसी है, स्कल में 29, रिब्स में 24, वर्टिब्री में 26 और यहाँ स्टर्नम में एक। आप जो भी टच करेंगे वर्टिब्री मिलेगा आपको स्टर्नम, कुल 80 हड्डियाँ मिलती है, दे आर द एक्सियल। अपेंडिकुलर की बात करें तो अपेंडिकुलर की ये वाला जो हमारा रीजन देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड पेक्टोरल गर्डन, दो होते हैं, ठीक है, दो हड्डी इधर और दो हड्डी इधर, चार, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें बीच कमर जो होती है इसे बोलते हैं पेल्विक गर्डन, पेल्विक गर्डन दो हड्डी, तो होते हैं छः। बाकी हाथ में 60 हड्डी और पैर में 60 हड्डी, 60 ये हाथ में, ठीक है, 30 यहाँ, 30 यहाँ, 30 यहाँ और 30 यहाँ, 30 और 120, 126 हो गया अपेंडिकुलर में और एक्सियल में हो गया 80। अब हम इनको अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन हड्डी होती है। तो अगर हम बात करें स्कल को, तो स्कल को भी हम कई रीजन में बांट सकते हैं। एक हमारा ये वाला पोर्शन पूरा ऊपर सर, सर को बोलते हैं क्रेनियम। उसके बाद हमारा फेस वाला पोर्शन, फेस को बोलते हैं फेस, इसमें 14 हड्डी और स्कल में हमारे क्रेनियम में हमारे 8 हड्डी। उसके बाद हमारे ईयर ऑस्कल, दोनों कान के अंदर जो हड्डियां होती याद होगा ना, सब छोटी हड्डी स्टेपिस वाली, दोनों हड्डी, हाथ एक कान में 3 हड्डी, दोनों कान में 6 हड्डी और यहाँ पे गले में हमारी 36 हड्डी होती है, इसको हेवाइड बोन बोलते हैं। यानी देखा जाए तो 8 क्रेनियम, 14 फेस, 6 ईयर ऑस्कल्स और एक हेवाइड मिला के लिए 14, 8, 22, 6, 28, 1, 29। यानी कुल 29 हड्डियों को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 14, 8, 6 और 1, ठीक है। आगे बात करें थोरेसिक में जो रीढ़ की हड्डियां होती है उसमें देखो कैसे होते हैं, देखो मेरे पास ये स्टर्नम होता है, ये स्टर्नम है और स्टर्नम से ये रिब्स निकली होती है, तो देखो ये कैसे रिब्स निकली होती, समझो जो रिब्स
स्टर्नम से निकले और वापस आके फिर स्टर्नम जुड़ जाए। जो रिब से हड्डियां स्टर्नम से निकले और वापस आके फिर जुड़े स्टर्नम से, इसको ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू। और इनकी संख्या होती है 7। इनकी संख्या क्या होती है? 7। और जो हड्डियां रिब्स से निकले लेकिन वापस आके न जुड़े, वापस आके स्टर्नम से न जुड़े, बस किससे, किसी और हड्डी से जुड़ जाए, मतलब निकले स्टर्नम से है और जुड़े किसी और हड्डी से। देखिए यहां से निकले स्टर्नम से, जुड़े इस हड्डी से, तो ऐसे हड्डियों को बोलते हैं फाल्स रिब्स। इनकी संख्या 3 पेयर होती है, 10 पेयर हो गया, 10 पेयर मतलब 20। और उसके बाद हमारा 2 पेयर होता है फ्लोटिंग रिब्स, ये निकलती स्टर्नम से है लेकिन जुड़ती किसी से नहीं, तो इनको बोलते हैं तैरने वाली हड्डियां या फ्लोटिंग रिब्स। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। तो 7, 3 और 2, 10, 2, 12, 12, 2, 24, 12 पेयर मतलब 24 हड्डियां हो गई। तो हमारे थोरैसिक में जो 24 है, 7 पेयर थ्री आपका ट्रू रिब्स है, 3 पेयर फॉल्स रिब्स है और 2 पेयर फ्लोटिंग रिब्स। अब हम पीछे बात कर ले वर्टिब्रे की, हमारी रीढ़ की हड्डी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी ऐसे होती है, ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे छोटी छोटी हड्डियां होती है रीढ़ की, तो उस रीढ़ की हड्डियों में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। कुल हमारे रीढ़ की हड्डियां 26 पेयर होती है, जिसको आपको ट्रिक याद करना है 712 511, ठीक है, कुल जुड़ी हड्डी होती है 712 511। 712 नंबर याद कर लीजिए, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कौडर्मी, ठीक है। सर्वाइकल है आपके 7 पेयर, थोरैसिक है आपका 12 पेयर, लंबर है आपका सैक्रम, ठीक है, सैक्रम लंबर, लंबर ही होता है यार, सैक्रम नहीं, लंबर है सैक्रम, यहाँ पे ये लंबर है और ये सैक्रम, ठीक है। लंबर 5 पेयर, सैक्रम 1 पेयर और कौडल भी 1 पेयर, कुल मिला के आप इसे जोड़ेंगे तो 7, 12, 19, 20, 5, 24, 21, 25, 26, 26, कुल 26 हड्डियां हमारी मल्टीप्री होती है। और दिस इज द सर्वाइकल, सर्वाइकल थोरैसिक, सर्वाइकल हड्डी क्या होती है? ये गले की हड्डी होती है, आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गले में पीछे हड्डी की आपको दिख रही है ये सर्वाइकल है, यहाँ पे 7 हड्डियां, फिर यहाँ से देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक थोरैसिक केस होता है। नाम कैसे याद करना बहुत आसान है, सर्वाइकल माने होता है गला, तो पीछे जो गले के पीछे हड्डी है वो सर्वाइकल। अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है? थोरैसिक केस, तो यहां से लेके यहां तक जितनी पीछे हड्डी है उसका नाम थोरैसिक है। लंबर का मतलब होता है कमर, अब यहां से लेके नीचे तक जो हड्डी है वो कमर में है वो क्या है? लंबर। और सबसे नीचे जो हड्डियां है उसका नाम सैक्रम और कव, तो आसानी से उसके बाद जाते हैं, सर्वाइकल माने गला, थोरैसिक माने आपका जो वक्ष स्थल और लंबर माने कमर, ठीक है, सैक्रम और कव, आसानी से याद हो जाएगा, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, कव, ठीक है। और स्टर्नम एक हड्डी मैंने बताया कहां पे होती है, तो ये कुल 80 हड्डियां हो गई। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर ले क्रेनियम हड्डी को, फर्दर डिवाइड कर ले कि क्रेनियम में कुल कितनी हड्डी होती है। तो इसको याद करने का तरीका है दिमाग का कीड़ा, दिमाग का कीड़ा, तो दिमाग मतलब होता है क्रेनियम माने दिमाग होता है, ठीक है ना, तो हम उसको कह सकते हैं इसका ट्रिक हो जाएगा पेस्ट ऑफ क्रेनियम या ब्रेन कह सकते हैं, पेस्ट ऑफ ब्रेन या क्रेनियम दिमाग का कीड़ा। तो आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं, पी से होता है क्या? पेराइटल, दिस इज पेराइटल, ई से होता है एथमोइड, एस से होता है एस्फेनोइड, एस्फेनोइड, टी से होता है टेम्पोरल, ठीक है, ओ से होता है ऑक्सीपिटल, बचा हाँ सर फ्रंटल, और एफ से बचा फ्रंटल, दिस इज कॉल्ड फ्रंटल। ये हमारी कुल कितनी हड्डियां होंगी वकीलों? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हमारी होती है दो, तो कोई हड्डी दो होती है, कौन? पी और टी, पेराइटल और टेम्पोरल, समझो अगर आप अपनी खोपड़ी देखेंगे तो सबसे जो माथा है वो फ्रंटल, ठीक है, ये दोनों पेराइटल, पीछे यहाँ पे टेम्पोरल, ये बीच वाला ऑक्सीपिटल, तो आपका जो पेराइटल है वो दो है और टेम्पोरल जो है वो दो। अब आप गिरेंगे बाकी सब एक एक हड्डी है, बाकी सब एक एक हड्डी है, ठीक है, तो क्या पाएंगे? 2, 2, 4 और 4, 4, 8, कुल 8 हड्डियां हमारी होती है फेस में, इस स्कल में, क्रेनियम में, जिसको हम लोग याद करेंगे कैसे? पेस्ट ऑफ ब्रेन, PESTOF, जिसमें से आपको याद करना है PT, PT में क्या होते हैं? दो दो हड्डियां होती है, बाकी सब में एक एक हड्डी है, PT यानी किसी को पीट देंगे तो दो बार आपको मारेगा, ठीक है ना, तो PT मतलब दो हड्डियां होती है, ये आप याद करिएगा। दूसरा है हमारा फेस, तो फेस का भी याद करने का ट्रिक है, फेस का ट्रिक है यम्पी ने ज्यादा
कोला मंगा लिया, वोमिट हुई। यानी एक एमपी साहब विधायक जी थे, उनके यहाँ पार्टी चल रही थी और उन्होंने ज्यादा कोला मंगा लिया, कोल्ड ड्रिंक मंगा लिया और खूब पी भी ली। और जब खूब पी लिए तो उनको उल्टी होना शुरू हो गई। तो उसी के ट्रिक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है बोर्ड में, पहले ताप लिख लो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। फेस की बात करें तो फेस की जो हड्डियां है उनको कितनी हड्डियां है 14। तो इनका नाम आप कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक है। मैंने बताया कि फेस किसका खूबसूरत होता है, एमपी लोगों का है ना, आप याद करेंगे। फेस मतलब एमपी विधायक। तो विधायक जी जीत गए चुनाव, तो पार्टी हुई, तो उन्होंने खूब क्या बनाया, कोला। अब कोला नाम था तो मिलाया कुछ और रहे होंगे, तो जब उन्होंने खूब पिया तो खूब ज्यादा उल्टी हुई। ट्रिक है इसका, एमपी ने ज्यादा कोला मंगाया वोमिट हुई। तो आप याद कैसे करेंगे, एम से होता है मैक्सिला, पी से होता है पहले टाइम, ने से होता है नेजल, नाक की हड्डी, ज्यादा हो जाता जाइगोमैटिका, जाइगोमैटिका, ठीक है। को से होता है कॉन्की, लेस होता है लैक्रिमल, मगाया से होगा मैंडिबल और वोमिट से हो गया वोमर। अब आप देखिए इसमें से मैंडिबल एक होता है, वोमर एक होता है। मंगाया और वोमिट को छोड़ दो तो सारी हड्डियां कितनी कितनी होती है, दो। सारी हड्डियां होती है दो। अब उसको हम गिन सकते हैं कि मैक्सिला दो, पैलेटाइन दो, नेजल दो, जाइगोमैटिका दो, कॉर्की दो, लैक्रिमल दो, मैंडिबल एक और वोमर एक। आप गिनिए, दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह, कुल 14 हड्डियां हमारे फेस की हो गई। और ये हमको याद भी हो गई, हमको नाम याद करना बहुत जरूरी है। फिर मैंने बताया कि ईयर ऑसिकल्स की बात करें तीसरा, तो ईयर ऑसिकल्स यानी कान की हड्डियां, ये याद करिए आप मिस, किसको याद करिए, मिस, कोई भी मिस याद कर लीजिए आप। मिस से होता है मैलस, दूसरा है इनकस और तीसरा है स्टीपस। तो जो स्टीपस होती है वो कान की सबसे, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ये हो गया ईयर ऑसिकल्स। और हेवॉइड तो आप समझ रहे, गले की हड्डी को बोलते हैं हेवॉइड, ये एक हड्डी हो गई। तो ये हमारे स्कल का पूरा 29 हो गया। अच्छा, थोड़ा सी बड़ी याद करा दिया, इसमें नाम नहीं याद करना है, कैसा नहीं, सबका नाम अलग अलग होता है। 24 हड्डियों में से 7 पेयर ऐसा है जो रिक्स जुड़ा है, ट्रू, जो नहीं जुड़ा है स्टर्नम से वो फॉल्स, और जो तैर रहा है वो फ्लोटिंग, 7 3 2। इसमें कुछ भी आपको नाम याद करना नहीं है। और वर्टिब्रे भी याद करा दिया, सर्वाइकल थोरैसिक लंबर सैक्रल कॉर्डल या कोक्सिक्स और ये। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक्सियल बोन के सारे बोन्स का आपको नाम याद हो गया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपेंडिकुलर बोन की, इनके गर्डर्स में कितनी हड्डी होती है और इसका नाम कैसे याद करेंगे, इसकी बात करना है, ठीक है ना। इसको नोट करिए जल्दी से, ठीक है। अब हम बात कर ले थोड़ा सा अपेंडिकुलर स्केलेटन की। 26 होता है, तो इस 26 में पेल्विक गर्डल 2 है, पेक्टोरल 4 है, हैंड 60 है और लेग में 60। देखो कैसे होता है, पेल्विक गर्डल क्या होती है, ये हमारी कमर, जो कमर है वो एक ही है। तो जो पेल्विक गर्डल कमर होती है इसमें एक दो हड्डियां होती है, दो कॉक्सल होती है। अगर मैं इसको बाद में स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में इसको बताऊँ बाद में, दो कॉक्सल हड्डियां होती है। यानी कुछ देखा जाए तो कुछ यूं और कुछ यूं, इधर साइड से जुड़ा होता है और इधर साइड से जुड़ा होता है। ये वाला एक कॉक्सल बोन और दूसरा वाला दूसरा कॉक्सल, दो कॉक्सल बोन होता है। और बचपन में ये एक कॉक्सल बोन तीन हड्डी से मिलकर बना होता है, वो तीन हड्डी होती है इलियम, इस्टियम एंड थर्ड वन इज प्यूबिस। यानी ये तीन हड्डियां, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बच्चों में पेल्विक गर्डल में 6 हड्डियां होती है और हम लोगों में 2, क्योंकि ये जुड़ के एक हो जाती है। तो ये इलियम, ये इस्टियम, ये प्यूबिस, ये क्या होते हैं, ये मिल के एक कॉक्सल बोन बनाते हैं और दोनों प्यारा मिला दो तो दो कॉक्सल। यानी कमर में कुल 2 हड्डी होती है, दोनों का नाम है कॉक्सल बोन। अच्छा, अब बात करें पेल्विक पेक्टोरल गर्डल की। तो ये पेक्टोरल गर्डल क्या है, ये वाला जो मेरा हाथ जिससे जुड़ा है, एक आप यहाँ देखेंगे ऊपर हड्डी उठी हुई है, इसे कॉलर बोन बोलते हैं। ये क्लेविकल है और ये जो बड़ा सा भाग है जिससे जुड़ा हुआ है, आप इसको ऐसे से करेंगे आपको पीछे हड्डी दिखती है चौड़ी सी, उसको स्कैपुला बोलते हैं। तो स्कैपुला और क्लेविकल ये एक हाथ में है, इधर भी होगा, यानी कि देखा जाए तो 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल, कुल कितनी हो गई हड्डी, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, कुल 6 हड्डी हो गई। अब हम बात करें अगर हैंड की, ठीक है, हैंड और लेग की बात करें, इसमें कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो इसको पहले इरेज करते हैं। हैंड की बात की जाए तो एक हाथ की बात की जाए तो हाथ यहाँ शुरू करते हैं हम लोग, इसका नाम ह्यूमरस, ह्यूमरस, ठीक है। ये हमारी हड्डी ह्यूमरस है, एक हड्डी है, ठीक है, दिख रहा एक हड्डी, नीचे आओगे तो यहाँ 2 हड्डी होती है, दिस इज कॉल्ड रेडियस
और अल्ना, यहाँ पे एक एक हड्डी हो गई, देखिए एक अल्ना, उसके बाद यहाँ पे आएंगे वाला हड्डी कॉल्ड कार्पल, कार्पल हड्डी होती है 8, फिर नीचे आओगे यहाँ पे जो जुड़ी है दिस इज कॉल्ड मेटा कार्पल, मेटा कार्पल होती है 5, और फैलेंजेस जो उंगली की हड्डी होती है उसे क्या बोलते हैं फैलेंजेस। अब आप अच्छे नोटिस करिए, एक उंगली में आपको तीन भाग दिख रहा होगा, एक हड्डी, दो हड्डी और तीन हड्डी, सब में तीन तीन भाग है और अंगूठे में दो भाग है, तो 4 × 12 = 14, यानी फैलेंजेस कुल कितनी हड्डी हो गई 14। काउंट करिए 1 × 1 = 3, 3 × 8 = 11, 11 × 5 = 16, 17, 30, ये एक हाथ में है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60। भाई सबके पास दो ही हाथ तो होते हैं, ये तो लेग हमारे हैंड में कितनी हड्डी होगी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजेस, सारी हड्डियों का आपको नाम याद रखना है। दूसरा अगर हम लेग की बात करें तो लेग में भी इस तरह होता है, पैर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर एक होता है, फीमर एक, उसके बाद क्या आता है नीचे टीबिया एक, फिबुला जैसे हाथ में होता है रेडियस अल्ना, यहाँ पे टीबिया फिबुला होता है। अच्छा फिर यहाँ पे एक और होता है पटेला बोन, जिसको बोलते हैं क्या कटोरा, है ना, जो आपकी सोनी होती है जहाँ ये गोली गोली होती है पटेला से कटोरी बोलते हैं, पटेला बोन एक है, उसके बाद यहाँ पे कार्पल है, हाँ यहाँ पे टार्सल बोलते हैं, यहाँ कार्पल नहीं बोलते, यहाँ पे सेम चीज को टार्सल बोलते हैं, 7 है, मेटा टार्सल की बात करें तो ये 5 है, और फैलेंजेस वही उंगली जैसे हाथ उंगली है उसे यहाँ भी फैलेंजेस होती है, इसे बोलते हैं 14। अब आप काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 7, 4, 11, 11, 5, 16, 17, 30, एक पैर में है, दो कर दे तो यानी कुल 60, 60, 120, 124, 124, 126, ये हमारे आप इसको दो बार जरूर देखिएगा, तीन बार जरूर देखिएगा, आपको सारी हड्डियों का नाम याद हो जाएगा। अब एक बार हमको सारी हड्डियों का नाम याद हो जाएगा तो अगले क्लास में कुछ नहीं करना है हमको, बस सभी हड्डी जो इम्पोर्टेंट है इसमें से खासकर पेक्टोरल गर्डिल, पेल्विक गर्डिल, है ना, और जो फीमर इसमें स्ट्रक्चर के इनका स्ट्रक्चर पढ़ना है, कैसा शेप होता है, क्या स्ट्रक्चर साइज होता है, क्या फंक्शन होता है, ये हमको पढ़ना है बस, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको।